सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ऋषभ पांडे। ऋषभ, जिस तरह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और आखिरकार एक मॉक ड्रिल निकली, जिस तरह से लोग वहां से गुजर रहे थे वो काफी सख्ते में आ गए कि लोगों को समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, और फाइनली पुलिस विभाग ने जो एक मॉक ड्रिल की अपनी चुस्ती दुरुस्ती को परखने के लिए, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मॉक ड्रिल, और ये देखिए आप, पहले मैं आवाजें सुनाता हूँ। देखिए आप, मॉक ड्रिल अभी भी जारी है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो धमाके हैं उनकी आवाजें यहाँ पर हो रही है। पुलिस वालों को देखा गया कितने मुस्तैद हैं, और यही कारण है कि पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने निचले स्तर पर किसी भी अधिकारी को कोई भी जानकारी, आप ये देखिए किस तरह से जो कमांडोज है उनको अंदर भेजा जा रहा है, एटीएस की टीम देखिए किस तरह से जा रही है यहाँ पर। ये मॉक ड्रिल का पूरा नजारा देख सकते हैं कि भेजा जा रहा है। अभी भी देखिए एटीएस के जो जवान हैं उनको अंदर भेजा जा रहा है, क्योंकि जो मॉक ड्रिल है वो अभी भी चल रही है, और साफ तौर पर इसको पूरी जो सीरियसनेस है उसके साथ दिखाया गया। यही कारण है, एक बार मैं आपको जेएलएन दिखाऊंगी। देखिए एटीएस की गाड़ी भी आई है जिसको यहाँ पर भेजा गया है, और रोड पर पूरी तरह से सन्नाटा किया गया है। त्रिमूर्ति सर्किल से लेकर और गांधी सर्किल तक जो पूरा जेएलएन मार्ग है उसको बंद किया गया है, और यहाँ पर पुलिस के करीब 200 से ज्यादा टीमें, एटीएस की टीमें आ चुकी हैं, और यही कारण है कि जिस तरह से मॉक ड्रिल पूरी शुरू करी गई थी, लोगों में एक दहशत का माहौल हुआ था जब ये खबरें चली थी कि, और आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ पर इसीलिए एहतियात के तौर पर मंगाई गई है, और अभी भी जो मॉक ड्रिल है वो चल रही है, और पूरी तरह से जो निचले स्तर के अधिकारी थे कोई भी जानकारी, आप फिर से देखिए एक बार कि जो मॉक ड्रिल है उसको किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। मीडिया को भी देखिए बाहरी रोक दिया गया है एहतियात के तौर पे, और अगर बात करी जाए तो टोंक रोड से पूरा ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट किया गया है, और लगातार जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर मौजूद है, कुछ जवान यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि खड़े किए गए हैं, और पूरे रास्ते को चारों तरफ से सीज किया गया है। यही कारण है कि मोती डूंगरी का जो पूरा इलाका है उसको यहाँ पर बंद किया गया है, और मॉक ड्रिल की बात सुनने के बाद जो लोग हैं उनकी सांसों में सांस आई है, क्योंकि पहले ये बताया जा रहा था कि गणेश मंदिर के अंदर जो हथियार बंद जो बदमाश हैं उन्होंने कुछ लोगों को बंदी भी बना रखा है, और कई इस तरह की सूचनाएं यहाँ पर आई थी जिसके बाद लोगों में दहशत का माहौल बिल्कुल था। लेकिन अब जहां पता चला है कि मॉक ड्रिल है तो उसके बाद लोगों को थोड़ा जो चैन की सांस है वो लोगों ने ली है, लेकिन जिस तरह से इस मॉक ड्रिल को किया जा रहा है बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस के जवान हो, एटीएस हो, सभी को यहां पर बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखिए, ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो जद्दोजहद है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर भेजे गए हैं और मौजूद है यहाँ पर। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन में पूरी मॉक ड्रिल हुई है, केवल उच्च अधिकारियों को ही जानकारी दी गई थी कि इस तरह की मॉक ड्रिल आज करनी है। थाना स्तर पर किसी भी अधिकारी को, चाहे सचो हो या कोई भी अधिकारी को, इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। इसीलिए शुरुआत में जब ये उस मॉक ड्रिल किया गया था तो कहीं ना कहीं लोगों में बिल्कुल दहशत का माहौल पूरी तरह से बना था, लेकिन अब मॉक ड्रिल की बात सामने आने के बाद लोगों ने चैन की सांस बिल्कुल ली है। और यही कारण है कि गणेश मंदिर वाला इलाका, जो गणेश मंदिर वाला जो इलाका है खासतौर पर, उस इलाके में ही ये बात थी कि इस तरह के मॉक ड्रिल, जो मेन उद्देश्य वही था कि ये प्रसिद्ध इलाका है और इस तरह की घटनाएं यहां होती हैं। क्या आप वो दिखा सकते हैं मुझे कि इस वक्त क्या स्थिति है, और क्या कोई पुलिस कर्मी, जैसे आप बता रहे हैं कि मीडिया को दूर रखा गया है, क्या आप किसी अधिकारी जी? देखिए पुलिस जो कर्मी है वो यहाँ मौजूद है, मीडिया को बाहर रखा गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, अंदर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें हैं, पुलिस के जवान अंदर मौजूद हैं, कुछ आला अधिकारी अब पहुंच रहे हैं और उनको अंदर भेज, वो अंदर जा रहे हैं। साफ तौर पर एटीएस को अंदर भेजा गया, लेकिन मीडिया को एहतियात के तौर पर अंदर नहीं भेजा गया है, और जो पूरी जो कवायद, अगर ऐसा कुछ असली में होता तो जिस तरह से किया जाता उसी तरह से यहाँ पर किया जा रहा है कि मीडिया को बाहर रखा गया है, पुलिस के जवान अपनी कार्रवाई अंदर पूरी कर रहे हैं, और आप जिस तरह से अभी मैंने कैमरे में भी आपको दिखाई, देखिए अभी भी आवाजें आ रही हैं, चाहे गोली चलने की हो, बम फटने की हो, सारी चीजें यहाँ पर अंदर की जा रही है कि मुस्तैदी देखी गई है, पुलिस कितनी मुस्तैद है, और जिस तरह से कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने जिस मॉक ड्रिल करवाया है उनके निर्देशन में हुई है, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद बिल्कुल दिखाई दे रही है। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी जरूर बाहर आ रही है, और ये देखिए आपकी जो अंदर से देखिए जो गाड़ियां हैं वो बाहर आ रही हैं, तो लगातार जो पुलिस की मुस्तैदी है वो यहाँ देखने को मिली है कि किस तरह से पुलिस इसमें कार्य करती है, और साफ तौर पर जो लोग हैं उनमें दहशत का माहौल था। यही कारण, देखिए जेएलएन बहुत ही बिजिएस्ट रूट है, वीआईपी रूट माना जाता है इसको, और इसको पूरी तरह से रुकवाना तो कहीं ना कहीं शहर की जो इस मेन रोड को रुकवाना, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक रोकना एक बहुत
बड़ा काम था पुलिस के लिए और उसको किस तरह से किया, इधर देख सकते हैं कि टोंक रोड से जो रिजर्व बैंक वाला पूरा इलाका है वो होते हुए जो मोती डूंगरी के लिए रास्ता आता है उसको बंद किया हुआ है, इधर त्रिमूर्ति सर्किल से रास्ता बंद किया हुआ है और साफ तौर पर जो पुलिस कर्मी है वो देखिए आप यहाँ पहुंच रहे हैं। और एक बार मैं पुलिस कर्मियों से बात करने की कोशिश करता हूँ कि सर अंदर क्या कुछ जानकारी है अंदर की? अभी कोई सूचना मिली है कंट्रोल रूम से कि कोई बदमाशान है, वो फायर वगैरह कर रहे हैं, तो उस समय में पुलिस अभी सूचना मिली है, मैं भी अभी अभी पता। सर मॉकड्रिल बताई जा रही है अंदर के अंदर, मॉकड्रिल चल रही है। देखिए पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जो बुलेट प्रूफ जैकेट है उसको पहन के अंदर जा रहे हैं, उनको भी अभी तक ये जानकारी दी गई है कि बदमाश है अंदर गोलियां चला रहे हैं। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जवान हैं चाहे आला अधिकारी हो सभी यहाँ पर पहुंच रहे। देखिए फिर से एक बार किस तरह से जो धमाकों की आवाज है वो यहाँ पर हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पूरा माहौल है वो इस तरह का ही बनाया गया था, शुरुआत ही इसी तरह से की गई थी कि जो इलाकाई लोग उनमें भी दहशत का माहौल पूरी तरह से बना था। और यही कारण है कि जो लोग थे वो दहशत में थे, जब शुरुआती जानकारी आई थी हमारे सामने तो यही सामने आया था कि पूरे इलाके को करीब 200 पुलिसकर्मियों ने घेरा है जी। जो बदमाश है उन्होंने लोगों को बंधक मंदिर के अंदर बना रखा है और जो दहशत थी वो लोगों में देखने को मिल रही थी। यही कारण है कि अब इस रोड से लोगों को आने भी नहीं दिया जा रहा है कि अगर ऐसा कभी कुछ भविष्य में होता है तो पुलिस कितनी मुस्तैद है, इसका आज अनंत श्रीवास्तव के निर्देशन में जो किया गया है मॉकड्रिल उसको देखना था। और यही कारण है कि जेएलएन जैसे मुख्य मार्ग पर भी जो पूरा ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया है और लगातार जो आवाजें हैं जो मॉकड्रिल है वो लगातार चल रही है। और जो मैं अभी कैमरे में भी आपको दिखा रहा था कि किस तरह की जो आवाजें हैं वो लगातार, चाहे बम की आवाज हो, चाहे गोली चलने की आवाज हो, और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग ने ऋषभ अपनी मुस्तैदी जांची,